क्या आपने कभी सोचा कि जो च्यूस्टिक्स एंड बोन्स हम अपने डॉग्स को खिलाते हैं कि क्या वो हमारे डॉग्स के लिए वाकई में कोई बेनिफिट के हैं कि नहीं है? सो दिस इज़ डॉक्टर अनिरुद्ध मित्तल और आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जो च्यूस्टिक्स एंड बोन्स हम अपने डॉग्स को खिलाते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं और डेली में हमको वो कितने खिलाने चाहिए। कॉम्पोजिशन ऑफ च्यूस्टिक्स एंड बोन्स। तो जिस चीज़ का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वो ये चीज़ ये है कि जो ये च्यूस्टिक्स एंड बोन्स है ये बनते किस चीज़ के हैं। तो जो ये च्यूस्टिक्स एंड बोन्स हैं जिस चीज़ से बनते हैं उसको हम बोलते हैं रोहाइड। अभी रोहाइड क्या होता है? बेसिकली जो ये रोहाइड है ये नॉन वेज होता है। नॉन वेज का क्या मतलब कि जो बफलो की स्लॉटरिंग के वक्त जो उनकी स्किन होती है ये उनकी स्किन से बनता है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि जो च्यूस्टिक्स एंड बोन्स जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हैं वो नॉन वेज होती हैं। नो डाउट वेजिटेरियन बोन्स भी आती हैं लेकिन जो मेजॉरिटी जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो नॉन वेज होती हैं। डॉग्स जो हैं वो बेसिकली वुल्फ से इवॉल्व हुए हैं। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो डॉग्स हैं वो जो अपना मतलब खाना है वो शिकार करके फिर खाते थे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो उनका वो हंट करते थे, जो शिकार करते थे, उसका जो फ्लैश होता था उसको वो टियर करते थे। अभी पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, अभी पैसेज ऑफ टाइम जो वो शिकार करने की आदत है वो खत्म हो गई, हमने उनको अपना पेट बना लिया और उनको जब हम खाना भी देते हैं वो पका पकाया देते हैं जो सॉफ्ट होता है। तो इसलिए जो उनकी बेसिक नेचर होती है वो टियर करने वाली वो पूरी नहीं हो पाती। तो च्यूस्टिक्स एंड जो बोन्स हैं ये यहीं पर हेल्प करते हैं, जो आपके डॉग के जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको पूरा करता है। तो अब च्यू करने से और क्या बेनिफिट होगा, जब आपका पेट बोन्स या च्यूस्टिक्स पे जब उसको च्यू करेगा तो उसका एक तो एंग्जाइटी और जो एक स्ट्रेस होता है डॉग का वो भी एक तो रिलीफ होगा और ये उसका एक तरीके से सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता है कि उसको ये एंटरटेन करेगा काफ़ी टाइम के लिए। अब स्टार्टिंग में हो सकता है कि जब उसको आपने फर्स्ट टाइम दिया तो उसको आधा दिन से एक दिन भी लगा रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे उसको प्रैक्टिस होती जाएगी उसको सिर्फ 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में लगेंगे मतलब इसको पूरा खाने में। अब आप क्या करेंगे, आप उसको देंगे, देने के बाद आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपने बाहर आके देखा कि वो गायब, फिर आप सोचे कहाँ गया। बेसिकली वो 2 से 5 मिनट के अंदर वो उसको खाई जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितनी जल्दी खा लिया उसने। अब जो च्यूस्टिक्स हैं, च्यूस्टिक्स के और भी बहुत सारे च्यूस्टिक्स हैं जो बोन्स हैं उनके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि जब वो उसको च्यू करता है, च्यू करने से क्या है कि जो उसके जो जो है जो की जो एक स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग होते हैं, जोज भी थोड़े स्ट्रांग होंगे। उसके अलावा अब आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जैसे जैसे आपका डॉग थोड़ा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो दांत हैं वो थोड़े येलोइशनेस में जाने शुरू हो जाते हैं। थोड़े पहले वो येलोइशनेस में जाते हैं फिर उनके ऊपर थोड़ा ना वो जमना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टार्टर, डेंटल टार्टर। अब डेंटल टार्टर की वजह से जो उसके मुँह के अंदर से गंदी स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो च्यूस्टिक्स जो हैं, च्यूस्टिक्स एंड बोन्स जो हैं यहीं पर काम करते हैं। वो क्या करेंगे, वो एक तरीके से दंत मंजन की तरह काम करेंगे। आपका डॉग जब उन पर च्यू करेगा तो जो उसके ऊपर जो वो डेंटल टार्टर जो जमता है उसको भी जमने नहीं देगा और मोर ओवर उनके जो दांत है उनको वाइट ही रखेगा। तो इन सब फायदों के साथ अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जब आपका पेट छोटा था पपीहुड में जब वो था तो वो जगह जगह चप्पलों जैसे चप्पलें हो गई, फुटवेयर हो गए, लेदर का सामान हो गया, उन सब पे वो जगह जगह दांत मारता था और सब कुछ खराब कर देता था। इसके अलावा जो वुडन फर्नीचर भी होता था उसके ऊपर भी वो जगह जगह दांत मार के वुडन फर्नीचर को भी खराब कर देता था। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास पपी ही है तो अब आपको क्या करना है, आपने जब वो जगह जगह जैसे फुटवेयर पे या वुडन फर्नीचर पे अगर वो दांत मार रहा है तो आपने उसको एक बार रोकना है वहां से कि नहीं, और उस टाइम पे आपने क्या करना है, बोन या च्यूस्टिक को उसके आगे ला के रख देना। तो इस चीज़ से उसको धीरे धीरे करके ये चीज़ समझ में आएगी कि जो ये फुटवेयर और जो ये वुडन फर्नीचर है इस पे दांत नहीं मारना है और मैं जो है वो जो पपी है वो च्यूस्टिक या बोन पे दांत मार सकता है। तो ये जो इस चीज़ की समझ है उसको थोड़े टाइम में आएगी, लेकिन आपको ये जो कमांड है ये आपको बार बार रिपीट करते रहनी है। रिस्क ऑफ च्यूस्टिक्स एंड बोन्स। अच्छी क्वालिटी के च्यूस्टिक्स एंड बोन्स लेने मार्केट से बहुत ज़रूरी हैं। मार्केट में क्या है कि थोड़ी बेकार क्वालिटी के भी च्यूस्टिक्स एंड बोन्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं जो थोड़े रीजनेबल भी होते हैं प्राइस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने कभी भी बेकार क्वालिटी के नहीं खरीदने हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो बेकार क्वालिटी के जो च्यूस्टिक्स एंड बोन्स होते हैं वो बेसिकली कंटेमिनेटेड होते हैं। वो कंटेमिनेटेड किस चीज़ से होते हैं, उनके अंदर ईकोलाई एंड सैल्मोनेला ये दो चीज़ों से कंटेमिनेटेड होते हैं। अब होता है कि ये ईकोलाई जो सैल्मोनेला है ये बेसिकली बैक्टीरियाज हैं जो आपके पेट में जाके आपकी बॉडी में जब चले जाते हैं तो वो आपके पेट को बीमार कर देंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब आपने उसको च्यूस्टिक्स एंड बोन दी तो उसके कुछ दिनों के बाद वो बीमार हो गए। वो बीमार होने का कारण क्या है कि जो आपने उसको च्यूस्टिक्स एंड बोन दी हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। कभी कभी क्या हो सकता है कि जो डॉग्स हैं वो सेंसिटिव हो सकते हैं रोहाइड के लिए। रोहाइड क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिससे च्यूस्टिक्स बनती हैं। तो उन केसेस में क्या होगा कि जो डॉग्स जो सेंसिटिव है रोहाइड को लेके वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और जब वो च्यूस्टिक्स एंड बोन्स खाएंगे, जब आपने उसको फर्स्ट टाइम कभी ऑफर किया तो वो उसको या तो वॉमिट कर देंगे या उनको डायरिया लग जाएगा।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि अगर तो आपका डॉग ऐसे कोई सिम्टम शो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो है वो थोड़ा एलर्जिक है च्यूस्टिक्स एंड उस च्यूस्टिक्स एंड बोन्स के लिए, तो अब आप उसको वो चीज़ नहीं देंगे। और कभी कभी क्या हो सकता है कि जब आपने अपने पेट को च्यूस्टिक या बोन दी, अब होता क्या है ना कि डॉग्स के लिए जो ये च्यूस्टिक्स एंड बोन्स होती हैं उनकी फेवरेट चीज़ें होती हैं, उनके लिए बड़ी प्राइज्ड पोजेशंस होती हैं। तो कभी कभार क्या है कि जब उनको लगता है कि कोई उनसे ये चीज़ लेने वाला है तो वो जल्दबाजी में उसको पूरा का पूरा निगलने की कोशिश करते हैं। अब इस केस में, अब इस चक्कर में क्या होता है कि जो ये च्यूस्टिक एंड बोन है वो चौक, मतलब उनको चौक कर देगी, उनके गले में फंस जाएगी। अब ये चीज़ एक तो इस चीज़ की वजह से भी हो सकती है, और कभी कभार और क्या हो सकता है कि जैसे सपोज अगर आपके पास दो डॉग्स हैं घर में, तो आपने एक डॉग को दिया दूसरे को नहीं दिया, और उस एक डॉग को लग रहा है कि दूसरा डॉग मेरे से कहीं छीन ना ले उसको, तो उस चक्कर में वो उसको कोशिश करेगा कि फटाफट खा लूँ, और वो उसको फिर कोशिश करेगा फटाफट खाने की, तो फिर वो उसको चौक कर, मतलब कर सकता है, उसके गले में फंस सकती है। तो आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना कि जब भी आप उसको च्यूस्टिक एंड बोन दें तो थोड़ी उसको एक्साइटेड स्टेट में वो ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें, आराम से उसको दें ताकि वो उसको आराम से च्यू करे, जल्दी जल्दबाजी में उसको, मतलब उसको निकालने, मतलब उसको स्वैलो करने की कोशिश ना करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि च्यूस्टिक्स एंड बोन्स को आप अपने पेट को कितना दें। जो छोटी ब्रीड्स हैं उनको आप कम देंगे, एंड जो बड़ी ब्रीड्स हैं उनको आप ज़्यादा देंगे। तो जो ये च्यूस्टिक्स एंड बोन्स हैं, बेसिकली ये कैल्शियम एंड प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ज़्यादा देंगे, तो कैल्शियम जब हम ज़्यादा देते हैं तो जो आपका पेट है उसको डायरिया लग सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में पहले तो आप उसको एक पीस देंगे एक पूरे दिन के अंदर, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं वो उसको खाने के बाद उसका डाइजेस्टिव अपसेट तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको पोटी, कहीं उसको लूज मोशंस, या कहीं उसको कोई वॉमिट तो नहीं हो रही है। तो पहले आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज़ को कि उसका सब कुछ नॉर्मल है, फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर आप सोचें कि उसको स्टार्टिंग में ही सीधा एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, तो उसका फिर डाइजेस्टिव अपसेट होगा ही होगा। और जिनके घर के अंदर दो डॉग्स होते हैं, तो उनमें आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों डॉग्स को अलग अलग रखने के बाद फिर दोनों को अलग अलग च्यूस्टिक देनी है। नहीं तो अगर आप दोनों को इकट्ठे दे देंगे, फिर मैंने आपको बताया कि वो जल्दबाजी में हो सकता है स्वैलो कर लें, वो अपने गले में हड्डी को वो फंसा सकते हैं। तो जिनके घर में दो डॉग्स हैं उनको आप पहले डॉग्स को अलग अलग सेपरेट करेंगे, फिर उनको अलग अलग आप च्यूस्टिक एंड बोन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, एंड अगर आपको लगा कि इस वीडियो के कंटेंट से आपको हेल्प हुई है, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। एंड मैं वीकली इंटरवल पे वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपके मन में अपने पेट को लेके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज़ कमेंट डाउन।